मेरी 5 साल की इकलौती बेटी आमना, मैं लंदन जा रहा था और वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही। मैं समझा बिन माँ की बच्ची है, बाप की लंबी जुदाई के ख्याल से परेशान हो रही। मुझे क्या मालूम था कि ये बाप और बेटी की मिलन का आखिरी लम्हा है, जिसे कुदरत की वसीहाई लंबा कर रही है। कह सैयद रुक जा, थम जा, अपने लख्त जिगर को जी भर के देख ले, इसकी सांसों को अपनी महक से बसा ले, इसकी खुशबू को समेट ले, क्योंकि आज के बाद ये तेरी यादों में कांटा बन के तेरे दिल में घुसती रहेगी। लेकिन बेटे, एक बाप कैसे इस ख्याल को अपने दिल में जगह दे सकता है कि वो अपनी इकलौती बेटी को आखिरी बार देख रहा है। मैं भी अपना हाथ छुड़ा कर लंदन चला गया और वो रूठ कर कब्र की मिट्टी ओढ़ के सो गई। बाबा, अरे आप अपने बिटिया के कब्र पे गए थे कि नहीं गए थे? बहुत मुश्किल काम होता है बेटे, बेटी की कब्र पर बाप का जाना। याद रखो, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बाप और बेटी का है। उसमें मोहब्बत है, उसमें एहतराम है और उसमें बड़ा बड़ा दर्द है। इसीलिए हमारे नबी सरवरे कायनात अपनी बेटी फातिमा जहरा को देखकर यूं ही नहीं खड़े हो जाते। इसीलिए जब किसी बदनसीब बाप की इकलौती बेटी मरती है तो उसकी दो कब्रें या दो चिताएं बनती हैं। एक कब्रस्तान या शमशान की जमीन पर खड़ी होती है और दूसरी तो जिंदगी उसके बाप की छाती पर दहती रहती है। दोनों ने मस्जिद अभी शुरू करवाए देते हैं। बुढ़े पापा भाई, इनको आज जूता से कुटाई का ना कहिएगा, इनकी बिटिया गुजर गई पिछले दिन पहले। अभी हमें नहीं मालूम था कि आपकी बहन की शादी है, वरना हम नहीं आते। जब हमारी फंड कमेटी ने लड़कों की तालीम का सोचा था तो हमने अपने एक दोस्त के हाथ पर बने हुए इमाम जामीन के पैसों से खैरात लेकर उससे उसकी चंदा मांगने की इब्तदा की। अब जब हमारी फंड कमेटी ने औरतों की तालीम का सोचा है तो वो जो टूटी हुई चप्पल आपने कॉलेज के फंड में जमा कराई थी उसको हमने दुरुस्त करवाई, उस जैसी दूसरी जूती घुटवाई और उसे बेचने से जो दो आने का फायदा हुआ उसकी रसीद आपको दे। आपके पैरों के नीचे जन्नत है, हम भी कदर करते हैं और आप भी कदर कीजिए। ऐसी राहों पर चलिए कि आपके आने वाली नस्लों को नेकियां कमाने में सहूलत। अगर मर्द जाहिल हो तो वो सिर्फ कुछ लोगों का नुकसान करता है, लेकिन अगर औरत जाहिल हो तो नस्लों को तबाह कर देता है। तुमको
Thank you.